हाक तुमची साथ आमची 36 जिल्हे 36 बातम्या न्यूज G9 महाराष्ट्र उत्तर तुमच्या प्रश्नांचे। रस्ते बंद करून जुने नाशिक कोरोना मुक्त होणार का असा प्रश्न आता जुने नाशिककरांमधून उपस्थित होतोय। जुने नाशिक परिसर मध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने प्रशासनाची धावपळ उडाली असून 2 दिवसांपूर्वीच महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे आणि पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी जुने नाशिक परिसरामध्ये पाहणी करून आज रोजी जुने नाशिक मध्ये सर्व येणारे जाणारे रस्ते बंद केले। द्वारका परिसरातला अमरधाम जाणारा रस्ता हेच एक कडील चालू ठेवण्यात आलेला आहे। ज्या ठिकाणी बॅरिकेड लावले आहे त्या ठिकाणपासून काही अंतरावर द्वारका सर्कल आहे। द्वारका सर्कल हे नेहमीच वाहतुकीच्या कोंडीत असतो। द्वारका सर्कल वरती आता सिग्नल बसवण्यात आला आहे। सिग्नल बंद झाल्यानंतर जुन्या नाशिकमध्ये येणारा जाणारा रस्ता वाहनांनी पूर्णपणे जाम होऊन द्वारका सर्कलवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होती। महापालिका आणि पोलीस प्रशासन हे जुने नाशिक परिसरातले सर्व रस्ते बंद करून कोरोना मुक्त करणार की काय असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांना पडलाय। जर अशा परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीला रात्री बेरात्री किंवा दिवसात काही इमर्जन्सी म्हणजे आपत्कालीन स्थिती निर्माण झाली तर त्या रुग्णाला रुग्णालयात कसं घेऊन जायचं हा प्रश्न नागरिकांसमोर उपस्थित झालाय। तसेच जुने नाशिक भागातले सर्व छोटे किंवा मोठे रुग्णालय क्लिनिक बंदच आहे। अशा परिस्थितीत महापालिकांनी किंवा प्रशासनाने नागरिकांकडे पूर्णपणे दुर्लक्षच केलंय। नागरिकांचं म्हणणं आहे की पहिले आम्हा सुविधा करून द्या, नियोजन लावू द्या, नंतर रस्ते बंद करा। तसेच स्थानिक नागरिकांनी न्यूज G9 महाराष्ट्राला आपली प्रतिक्रिया दिली। पाहूया तिथल्या नागरिकांचं काय म्हणणं आहे। द्वारका के ऊपर अभी फिलहाल में यहाँ पर एक आखिरी पॉइंट है, ये इसको नासिक महानगर पालिका के माध्यम से पैक करा जा रहा था। जैसी मुझे मालूमत मिली मैं यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर स्थानिक नगर पालिका के लोग थे, उनसे मैंने पूछताछ की और पूछा कि भाई क्यों बंद कर रहे। तो उन्होंने बोला कि कल भद्रकाली पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के साथ में नगर पालिका वालों की मीटिंग हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि ये भी पॉइंट बंद करेंगे। लेकिन मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या यह सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है? यहाँ पर इतना कम गैप बन करके अकेले इससे सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ेगा या खत्म होगा? लोग नजीक नजीक आएंगे, ट्रैफिक जाम होंगी, जैसे बीमारी फैलेंगी। पर सबसे मेन चीज़ ये है कि पूरे नासिक जुने नासिक के आसपास के एरिया सील कर रहे हैं। ये एक ही पर्याय है जो आने जाने के लिए है। यहाँ से अगर हम, मेरा फैमिली डॉक्टर है नागजी के ऊपर, अगर मेरे घर से किसी को कोई तकलीफ होती है, बीमार होता है, तो मुझे मेरे पेशेंट को लेकर नागजी पे जाना है। तो नागजी में कैसे जाऊंगा जब ये बंद रहेगा? तो यानी मेरा जो घर का व्यक्ति है अगर उसको कोई तकलीफ है तो बीमारी से घर पे मर जाए। ये मकसद है क्या नगर पालिका का? मैं निषेध करता हूँ ऐसे सिस्टम का जो करना है, चाहे नगर पालिका के लोग हो या भद्रकाली पुलिस स्टेशन के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी हो। आप लोगों को बैरिकेडिंग करना है, पैक करना है, तो आप करो, लेकिन उसके लिए एक नियोजन करो। पहले अंदर के हॉस्पिटल चालू करो, अंदर कैंप अरेंज कराओ, अंदर के लोगों के स्वार्थ के ऊपर ध्यान दो, अंदर के लोगों के एरिया में सैनिटाइजर करो। ये सारी सुविधा नगर पालिका के अधिकारियों ने और पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने मिलकर पहले अंदर का सिस्टम बनाना मांगता और फिर ये पैक करने मांगता। मैं इसका जाहिर निषेध करता हूँ और जल्द से जल्द सारे बैरिकेडिंग खोले जाए। अगर लोगों को बचाना है तो बैरिकेडिंग करने से नहीं, सिस्टम बनाने से लोग बचेंगे। आज या द्वारका परिसरातला हा एकदम अत्यंत जुना नाशिकाचा हार्ट ऑफ सिटी जो म्हटला जातो तो रस्ता येतो। महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासन यांनी खरंच जनतेची काळजी घेऊन रस्ते बंद केले की आणखी काही। G9 महाराष्ट्रसाठी इरफान पठाण, नाशिक।